हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य जीतू सिंह। नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिष आचार्य पंडित धनंजय दुबे जी। देखिए, मल मास और अधिक मास, मल मास अधिक मास में बहुत सारे कार्य जो होते हैं वो वर्जित होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है ये मल मास और अधिक मास आखिर है क्या। अधिक मीन कि ज़्यादा, कौन सा महीना है जो अधिक है और क्यों ये अधिक हुआ। क्या अधिक महीना, कहते हैं कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है तो वो बहुत शुभ होती है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन बुराई एक्सेस होती है तो खतरनाक होती है, दुख एक्सेस होते हैं तो खतरनाक होते हैं, नेगेटिविटी एक्सेस होती है तो खतरनाक होते हैं, लेकिन अधिक मास, एक महीना अधिक, क्या ये भी खतरनाक है। इसके पीछे की कहानी क्यों है, क्या है इसके पीछे राज। आचार्य जी, इस राज के ऊपर पर्दा जरूर उठाइए। जरूर, देखिए, अधिक मास मल मास, अगर हम वैदिक ज्योतिष के अनुसार गणना करें तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी गणना के आधार पे तिथि क्षय होती है। कई बार जो नक्षत्र का टाइम होता है, जो चंद्र मास हम बोलते हैं, तो चंद्र दिन होता है, दिन से ही मास बनता है, तो कई बार होता है कि कुछ दिन बहुत ही कम घंटे लिए हुए होते हैं कुछ, तो ये धीरे धीरे चल के मल मास मतलब अधिक मास में जुड़ते जाते हैं और ये कुछ वर्षों में जाके एक महीना अधिक लगता है। तो ऐसी स्थिति में ये तो साइंटिफिक और कैलकुलेटिव इसका रीज़न रहा है कि अधिक मास क्यों लगता है, ये सारा वैदिक और खगोलीय गणना पर आधारित है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मल मास में, मल मास के दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में जानकारी रखना बड़ा जरूरी है। और मैं यही सवाल जीतू जी से भी पूछूंगा कि मल मास के समय में, अधिक मास के समय में किन बातों को लेकर सावधानी रखनी चाहिए और क्या अच्छा होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छी आचार्य जी, ये महीना है कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। 18 सितंबर से ये महीना शुरू हो रहा है अधिक मल मास का और ये 16 अक्टूबर तक ये महीना जाएगा। पूरा महीने में आपने जो कार्य नहीं करने हैं उसके ऊपर खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है। मल होता क्या, मैल यानी अच्छा नहीं, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं, तो अच्छी नहीं तो फिर इसका मतलब अच्छा नहीं करना है। यानी आपको ना तो आपको अपने घर में कोई ऐसे संस्कार विधियां करनी है जैसे शादी है, विवाह है, मुंडन है और घर प्रवेश है, ग्रह का प्रवेश है। देखिए, बड़ी मुद्दतें लग जाती हैं आपको अपना घर बनाने में, लेकिन कहा जाता है कि सही समय का अगर आप चुनाव नहीं करते हैं तो वहाँ सुख में कमी हो जाती है, तो घर ग्रह प्रवेश नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो आपके इस समय में करना वर्जित इसलिए क्योंकि समय ही शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता, तो ऐसे में क्या करना चाहिए अभी आचार्य जी बताएंगे आपको। जी देखिए, बात सही है कि कोई भी समय और जहाँ पे उसका विशुद्धिकरण हो, विशुद्ध हो, तो वैसे समय से बचना चाहिए, मलमास से भी बचना चाहिए। लेकिन अब सवाल है कि क्या करना चाहिए। अगर जीतू जी कह रही हैं कि क्या करना चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि मल मास के दौरान जो एक महीना बड़ा हुआ हमें मिलता है, अगर मैं ये कहूँ कि बहुत सौभाग्य की बात है तो है, क्योंकि ऐसे समय में पूजा पाठ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, मंत्रों का जाप करके आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। आप जितना हो सके मंत्रों का जाप कीजिए, दान कीजिए, गुरु मंत्र का जाप कीजिए। इससे क्या होगा कि ये कहीं ना कहीं आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है, क्योंकि वेदों में भी कहा गया है कि अगर कोई चीज़ अनिष्ट है, चाहे वो ग्रहण हो चाहे मलमास हो, अगर ये कुछ अनिष्टता लिए हुए है तो कुछ तो सौभाग्य का प्रतीक भी है। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन ऐसी स्थिति में मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा जीतू जी से,
ये तो बताया कि क्या होना चाहिए, लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि मल मास के समय में किन व्यक्तियों को कैसे, क्या दिनचर्या में भी परिवर्तन करना चाहिए, क्या रहन सहन में भी परिवर्तन करना चाहिए, क्या बोलती है मैडम? बिल्कुल, देखिए आपने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई कि अधिक मास से शुभतावरा भी है। अब जी शुभतावरा कैसे है, जो आपने बता दिया आचार्य जी जी ने, कि जितनी पूजा पाठ जप तप जी दान किया जाए जी वो बहुत शुभ होता है। पूजा के लिए जितना समय मिले वो कम होता है, अध्यात्म के लिए जितना समय मिला वो कम होता है। तो ये समय ही ऐसा है जहाँ आपने ऐसे ही रिचुअल करने हैं। बिल्कुल अब दिनचर्या की अगर हम बात करते हैं जी तो दिनचर्या में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं आचार्य, सोते रहते हैं। जी सोना उनका बहुत ज़्यादा उनको लगता है इंपॉर्टेंट हो गया, ज़िंदगी का सबसे मुख्य अगर कोई हिस्सा है तो सोना ही है। यानी अगर के 7 दिन में उन्होंने 6 दिन काम किया है तो 7वां दिन इस कदर सोते हैं कि उनको लगता है कि नहीं अब तो कोई उठाए ना हमें। भाई ऐसा क्यों, सूर्य उदय से पहले उठना है ये तो आपको पता ही है। हाँ वर्जित क्या है इसके अलावा, जितने भी जी नए नवेले दंपत्ति होते हैं इन्हें बिल्कुल शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। कहा जाता है कि इस दौरान अगर संतान की जी उत्पत्ति होती है तो वो बहुत शार्प माइंड के बच्चे नहीं होते हैं। यानी इस समय जो स्थिति होती है ग्रहों की वो काफ़ी क्षीण स्थिति में होते हैं, तो ऐसे में जो इम्पैक्ट पड़ता है ग्रहों का वो सीधा मानसिक स्थिति पर ज़्यादा पड़ता है आपकी। तो इस चीज़ का आपने खास परहेज रखना है, सात्विक भोजन करना है, आपने बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है। तो ये तो चलिए ठीक है परहेज हो गए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे मलमास में जी ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति विशेष करके हों तो वो ज़रूर करनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि हमने कहा कि अपने पति पत्नी को बहुत परहेज करने परहेज चाहिए, करना चाहिए लेकिन जी। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए ऐसे टाइम पे? अच्छा जी जी ऐसी चीज़ों में देखिए, जैसे कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि आपको ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि ऐसे समय में आपके घर में, जैसे आपने ऑलरेडी बताया ही है कि सफाई का ध्यान रखें, बिल्कुल नियमित होना बड़ा ज़रूरी है, संयमी होना बड़ा ज़रूरी बिल्कुल है, बिल्कुल और साथ ही साथ अपने घर में पूजा पाठ का एक माहौल बनाए, क्योंकि पूजा पाठ हमें वो इनविजिबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमें दिखता तो नहीं है लेकिन असर होता है। तो ये चीज़ें तो ज़रूर करनी चाहिए। मल मास के समय में वृक्ष का रोपण करना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, यहाँ तक कि किसी मंदिर के प्रांगण में लगाएं तो बड़ा अच्छा माना गया है। मल मास के दौरान मंदिर के प्रांगण को साफ रखना चाहिए, मंदिर का प्रांगण हो गया, स्कूल हो गया, यहाँ तक कि सड़कों पर भी चलते हुए गंदगी नहीं फैलानी चाहिए मल मास के दौरान, अधिक मास के दौरान, क्योंकि गंदगी कहीं भी फैलाएंगे, इस समय में फैलाई हुई गंदगी आने वाले टाइम में आपके जीवन को गंदा कर देगा, तो इससे बिल्कुल बचना चाहिए। और मैं ये जरूर कहूँगा, एक चीज़ तो पूरी दुनिया जानती है कि जीतू जी बहुत छोटी छोटी उपाय बताती हैं और बहुत ही इफेक्टिव उपाय होता है, तो मैं ये जरूर कहूँगा कि आप दर्शकों को कुछ तो ऐसा बताइए कि मल मास के दौरान वो अपनी मनोरथ जो है, मनोकामना है, उसको साध ले जाए। बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल उपाय बताऊंगी और एक जी आचार्य जी भी उपाय बहुत अच्छा देने जी वाले हैं आपको, और उसका भी आपने इंतजार करना है। लेकिन मैं अभी बता दूं कि मल मास के दौरान कहा जाता है कि अगर आप शमशान में ईंट का दान करते हैं ये बहुत उत्तम माना जाता है, और शमशान के अगर आप वहाँ पे वृक्षारोपण करते हैं या फिर वहाँ के लिए आप कहते हैं कि सिटिंग का अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव होता है जहाँ कहा जाता है कि जितना भी दान पुण्य किया जाए वो बहुत उत्तम दान पुण्य लगता है। तो दान की ही महत्वता होती है मल मास में, अधिक मास में, और जप तप पूजा पाठ की महत्वता होती है। तो घरों के अंदर तो पूजा पाठ आपने बढ़ा देनी है, और अगर आपके घर में कोई आपको लगता है तकलीफ है, परेशानी है, किसी कारण से कुछ कार्य नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप शमशान में जा कर के इस तरीके की विधियाँ ज़रूर कर दीजिए, ताकि ऐसे में जब भी व्यक्ति वहाँ कोई जाते हैं, क्योंकि बहुत परेशानी हालत में ही होते हैं और उन्हें बैठने का जो आश्रय मिलता है तो एक दुआएं जो निकलती हैं वो ज़िंदगी भर आपका साथ निभाती हैं। तो दुआओं जी में इतना असर होता है, कहीं दवा फेल हो सकती है, दुआएं कभी फेल नहीं होती हैं। जी तो आचार्य जी जी आपका उपाय जो बहुत कारगर मुझे मालूम है, आचार्य जी जी बहुत कारगर उपाय देते नहीं हैं, जरूर उन उपायों को आपने ज़िंदगी में ज़रूर डालना है, अपने करने हैं ऐसे उपाय ताकि आपके जीवन में सुखों का आगमन हो। जरूर। देखिए मलमास के समय में मैं आपको वो उपाय बता रहा हूं कि आपकी संतान सुखी तो आप सुखी, बिल्कुल और हर कोई अपने संतान के निमित्त ही अपनी ज़िंदगी जीता है।
तो ऐसे समय में विद्या का दान दीजिए, किताबों का दान दीजिए, कॉपी पेन पेंसिल जी उन बच्चों तक पहुंचाइए जो मतलब नहीं असमर्थ खरीद है, सकते, नहीं खरीद असमर्थ सकते है। हैं। दूसरी चीज, हॉस्पिटल में जाइए, दान दीजिए। बिल्कुल ऐसी मलमास के समय में कहा गया है कि मानव के प्रति वैसी चीजों को दान दीजिए जो कि तुरंत तो ना दिखे लेकिन दूसरे रूप में दिखे। तो दवाइयों का दान दीजिए, इससे बिल्कुल क्या होगा कि मलमास के समय में दिया हुआ दान किसी ना किसी रूप में आपको रक्षित करता है, मतलब रक्षा करता है। तो दवाइयों का दिया हुआ दान, ये मानिए कि आपका भविष्य जीवन सुधारेगा, स्वस्थ रहेंगे। विद्या का दिया हुआ दान, कई पीढ़ियों तक विद्या साथ रहेगी। तो ये जरूर कीजिए। और साथ ही साथ मैं ये जरूर कहूँगा कि ब्राह्मणों के प्रति जितना हो सके मलमास के समय में आप दान कीजिए, अपने इष्ट देव के लिए दान कीजिए, इष्ट देव की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ मैं ये जरूर कहूँगा कि इस पर कुछ विशेष जीतू जी बताएं कि मलमास के समय में हम लोगों को और क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात आप आचार्य जी ने कहा कि बिल्कुल पंडितों को दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, और साथ के साथ आपको दवाइयों का दान उन्होंने कहा, स्पेशली एजुकेशन का दान कहा करने के लिए। हाँ, एक हमारा तबका ऐसा छूट जाता है, एक एरिया ऐसा छूट जाता है जी जहाँ हम ध्यान नहीं देते आचार्य जी, हमारे जानवर, जी हमारे जानवर जो है खास करके, देखिए जो जिनको तो पालतू है उन्हें तो बहुत कुछ मिल रहा है खाने को, लेकिन जो पालतू नहीं है उनके लिए तो बड़ी मुश्किल की बात है। गो सेवा कीजिए, डॉग्स को फूड दीजिए, आप एक सोर्स बना दीजिए कि आपने बेजुबानों को भी आपने दान देना है। और दूसरी बात क्या होती है आचार्य जी, कई बार हम लोग क्या करते हैं, दिखावे का दान दे देते हैं, जी बहुत बड़ा कि बड़ा सा पैकेट बना देंगे और सब जगह फोटो खिंचवा के बताएंगे हमने ये दिया। ये दान जी नहीं है, नहीं ये है, तो बिल्कुल एहसान नहीं करने है। जा रहे हैं आप, क्या कहते हैं आप, ये ये तो अहंकार एहसान है। है, बहुत बड़ा अहंकार है, जी एहसान है। तो ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। दान की प्रक्रिया दान की तरह ही होनी चाहिए। जी सबसे उत्तम होता है गुप्त दान जो गुप्त देते दान हैं, जी जहाँ नाम नहीं लिखाते वो अपना, वो दान करना चाहिए। हाँ, जो पेट जिसका पहले ही बहुत भरा जी हुआ है उसे दान देने का कोई फायदा कोई नहीं, जो फायदा नहीं। जरूरतमंद है उनको भी दान जरूर दीजिए। जरूर तो ये नियमित आप करते रहिए इस मलमास के दौरान। महीना आपने बता दिया, समय जी हमने बता जी दिया, तो होप आप तक सारी अच्छी जानकारी पहुंच चुकी है, उपाय भी पहुंच चुके हैं। तो अगली वीडियो के लिए हम बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन चीज़ें लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को भी देखते बिल्कुल रहिए और फेसबुक पर भी इसे लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, हो सकता है आप लोगों के जी माध्यम से किसी दूसरे का भी भला हो। बिल्कुल नमस्कार।